तो हेलो गाइस, आज हम लोग एक बार फिर से खेलने वाले हैं दोबारा से माइनक्राफ्ट। लेकिन यार आज के वाली वीडियो में हम लोग में फिर से सर्वाइवल वर्ल्ड में। तो यार नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ था, मैंने अपना घर बनाया था, बट आपको पीछे दिख रहा होगा मैंने क्या किया ऑफलाइन जाके, अभी मैं दिखाता हूँ। ओके तो देखो, मैंने बहुत बड़ा अपग्रेडेशन कर दिया, इस छोटे से घर को एक विला में कन्वर्ट कर दिया, बट विला ने एक तरह से स्वीट होम में। आपको दिखाता हूँ अंदर जाके क्या है। गेम में घुसते ही मजदूरी स्टार्ट हो जाएगा यार, मेरे को ओक लॉक ढूंढना पड़ेगा। तो यार मेरे पास ओक लॉक नहीं था, इसलिए मैं ब्रिज कर देता हूँ। अब देखता हूँ यार कैसा लग रहा है। भाई सब सच बता रहा हूँ, बहुत फालतू लग रहा है, छोड़ो यार मैं बाद में से ठीक कर लूँगा। बट अभी मैं आपको देता हूँ हाउस, ये रहा नीचे का फ्लोर, ये रहा सेकंड फ्लोर जो कि काफ़ी ज़्यादा फालतू है, डेकोरेशन करना पड़ेगा। थर्ड फ्लोर भी अच्छा नहीं उतना, चूंकि मैंने अभी डेकोरेशन नहीं किया इसीलिए आप फालतू लग रहा है। बट यार आज की वीडियो में कोई डेकोरेशन वेकेशन नहीं करने वाला, चूंकि यार आज की वीडियो में बनने वाला हूँ रिच और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन फुल, चूंकि यार रात में जो मॉब्स है ना वो फट जाते हैं, मैं मर जाता हूँ बार बार। तो मेरे पास बनाना पड़ेगा आज डायमंड आर्मर, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा माइनिंग। बट सच बता रहा हूँ मेरे पास टूल्स वुल्स होंगे कि नहीं पता, मेरे को बनाना पड़ेगा। तो फटाफट से सबसे पहले बहुत सारे टूल्स वुल्स कलेक्ट करके मैं आपसे मिलता हूँ तुरंत ही। तो डन, मैं रेडी हूँ यहाँ पर। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास क्या क्या है। मेरे पास है थोड़े से प्लैंक्स और स्टोन और यहाँ टॉर्च लग रहता हूँ, टूल्स भी बहुत है, बट मेरे पास स्मूथ स्टोन तो होगा शायद मैं कुछ। ठीक है, यहाँ मैं स्मूथ स्टोन स्लैब से मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पर एक आर्मर स्टैंड, क्योंकि मैं जो डायमंड आर्मर आएगा उसके लिए थंबनेल खींचने के लिए मैं ऊपर में रख दूंगा ऐसे, क्योंकि यार अच्छा लगे यार थंबनेल डालूंगा, मजा आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे सेट कर देता हूँ। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं यार केव वेव ढूंढता हूँ। ओके तो पहला केव है, आई नो ये गहरा लगना चाहिए शायद से, नीचे जाता हूँ। अच्छा ठीक है, यहाँ थोड़े मोड़े कोल है, ये सब को पहले उड़ाता हूँ फिर मिलता हूँ। ओके कोल बोल तो बहुत माइनिंग हो गए, बट यहाँ थोड़े मोड़े नहीं भाई बहुत सारे हैं, इसे पहले मैं तोड़ लेता हूँ। ओके तो काफ़ी सारे मैंने आयरन कलेक्ट कर लिया, अब इसे उठा लेता हूँ। ठीक है, अब देखता हूँ यार ये रास्ता कहाँ जा रहा है, गहरा तो जाएगा। ए यार बंद हो गया यार, और भी रास्ते हैं ऊपर, दो रास्ते और मैंने देखा था। अच्छा ये आयरन, अच्छा तो ऊपर आयरन भी है, रुको रुको इसे तोड़ता हूँ पहले मैं एक, और ये रहा दूसरा। भाई साहब बहुत सारे आयरन है शायद से यहाँ पर, थोड़े और आगे जाता हूँ। ओके डन, यहाँ पर और भी आयरन है, मज़ा आ रहा है यार इतने सारे आयरन देखने में। तो यार आखिरी आयरन था यहाँ पर जो उठा लिया मैंने, अभी ढूंढता हूँ। अबे तू कहाँ से आ रहा है यार, पीछे भाई मेरे पास कुछ नहीं है, हट ना भाई, माथा मत चाट। आर भी आ रहे हैं शायद से, मुझे लग रहा है आवाज़ तो आ रहा है, थोड़ा सेंस करना पड़ेगा मेरे को। सॉरी गाइज अगर लैग हो रहा होगा, पता नहीं यहाँ पर आते जा रहे हैं यार, ये लोग रुक नहीं रहे। भाई पीछे हट ना, यहाँ स्पॉनर है क्या? अरे भाई दो कहाँ से आ गए, और अभी दो थे, तीन आ गए थे। अरे क्या हो रहा है, मेरा मैकेनिज्म थोड़ा उल्टा हो रहा है। दूर हटना भाई, मेरे पास कुछ नहीं है, हट निकल यहाँ से। भाई आते जा रहे यार ये लोग, एक तो समझ नहीं आ रहा इनकी बारात कहाँ से आ रही है। एक सेकंड, तू ना नहा ले, ये ले नहा ना भाई, इतना ज़्यादा गंदा लग रहा है, हरा से गोरा हो जाएगा। एक सेकंड मैं यहाँ से एक्स निकालता हूँ, रुक। ए आ तो इधर, वैसे यार तेरे को नहाने बोल रहा था ना, मैं तेरे को नहाने बोल रहा था ना, वैसे ही आया है यार ये। ओके यहाँ से मैं आयरन उठा लेता थोड़ा मोड़ा, और थोड़ा नीचे जाने का ट्राई करता हूँ। ओके नीचे चलता हूँ, अबे हरे कद्दू तू फिर आ गया भाई, निकल यहाँ भाई, तेरे को नहाने बोल रहा हूँ, जाना नहाने। एक सेकंड भाई मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ मैं नहीं आया, कोबल स्टोन यहाँ कहाँ से आ रहा है यार। एक सेकंड यार, मेरा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ मेरे साथ ही क्यों होती है इतना। मैं सच बता रहा हूँ गाइज, मैं नहीं आया हूँ, एक सेकंड मेरे को कुछ सच लग रहा है, मैं थोड़ा मैं तोड़ता हूँ इसे। ओके गाइज, ये मैं बोल रहा था ना मैं नहीं आया हूँ, यहाँ देखो लावा है और ऊपर से कहीं पानी चू रहा होगा, उसके वजह से ये कोबल में बदल गया होगा। मैं सबको ठीक कर देता हूँ फिर से उसी तरह, क्यों यार इस एक बार इसे भी चेक करा देता हूँ मैं आपको। ये देखो अच्छा ठीक है, यहाँ से भी लावा आ रहा था, मैं बोल रहा था ना यार मैं आया ही नहीं हूँ। तो यहाँ मैं बहुत सारे आयरन को स्मेल्ट होने दे दिया हूँ, तब तो यार थोड़ा सा मजदूरी करते हैं जैसे यार पत्थर तोड़ना। ओके तो आयरन स्मेल्ट हो गया और मैंने आर्मर और बहुत सारे टूल्स बना लिया, अब जाते हैं डायमंड ढूंढता हूँ। यहाँ ढेर सारे आयरन तो है, बट एक दिक्कत दे रही है यार, यहाँ स्पॉनर है आई थिंक जॉम्बी का, बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, जॉम्बीज ग्राउंड कर रहे हैं यहाँ पर, बट यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है मेरे को। एक सेकंड भाई, ये नीता अंबानी की बारात कहाँ से आ रही है, एक सेकंड मेरे को इनका ठिकाना लगाना होगा। यार गिन के एक ग्लास लावा लाया हूँ, गिराऊंगा सीधे मत्थे पर। एक सेकंड यार जलना, इतना धीरे फ्लो क्यों रहा है। ओके हो गया यार, दो जले, एक से दो जले, रुको रुको और भी थे यार, अंबानी की बारात आ रही है यहाँ पर, रुको एक सेकंड, यहाँ ऊपर से मैं ना तेरे ऊपर लावा गिराऊंगा एक अपने ऊपर। अरे भाई अपने ऊपर क्यों गिरा रहा हूँ, यहाँ रखता हूँ। ओके अब दोनों मिलकर नहाना यार लावा से। एक सेकंड तू बच कैसे गया, मेरा एक्स कहाँ है, इसे निकाल मत्थे पर दूंगा यार। हाँ चलो अब डायमंड ढूंढना था इसे मेरे को। पहली बात तो मेरे को कभी डायमंड जल्दी मिलता है नहीं था ऐसा मैं कह रहा था, बट यहाँ तीन डायमंड, ओ भाई चार डायमंड, भाई पांच डायमंड मिल गए मेरे को यार, पांच। ओके करते रहो माइनिंग करते रहो, कुछ मिलेगा जरूर। ओके मिल गया डायमंड्स, और दो डायमंड, भाई तीन डायमंड आई थिंक, ओ भाई चार डायमंड है भाई, चार डायमंड और मिल गया, मतलब नौ डायमंड हो गए मेरे पास। आस पास डायमंड है तो भाई दिख जा मेरे को, दिख गया भाई, और भी डायमंड थे तो यहाँ पर मैं दो ही डायमंड है मेरे को, भाई तीन डायमंड, भाई चार डायमंड है मेरे पास। एक सेकंड हटो
हैं यहाँ से, जैसे 4 डायमंड यहाँ से उठा लेता हूँ, मतलब मेरे पास 13 डायमंड्स हो गए हैं यार। और भी डायमंड्स मेरे को मिले हैं कि नहीं पता मेरे को, एक सेकंड मिल गया भाई आसपास ही, यहाँ पर था, रुको आयरन पिकेक्स निकालो, यहाँ से 2 डायमंड्स और उठा लेता हूँ मैं। ओके ऊपर भी है, ओके काश मेरे को भी आसपास मिल जाए। ओके आसपास भी है भाई, कितने डायमंड्स यार यहाँ पर, ओ भाई नीचे भी था, ठीक है तो मतलब यहाँ 5 डायमंड मिल गया, मतलब मेरे पास 18 डायमंड्स हो गए। मजदूरी तो कर रहा हूँ लेकिन मिलेगा कि नहीं, ओके मिल गया मेरे को और भी डायमंड, देखता हूँ कितना है। ओके तो यहाँ पर कम से कम 5 डायमंड मेरे को दिख रहे हैं, उठाता हूँ यार पांचों को, एक सेकंड ऊपर भी है भाई, एक सेकंड इसे भी तोड़ लो और मेरे इन्वेंटरी में नजर मारो, यहाँ पर स्टोन है, मैं आपको कहानी बताऊंगा लास्ट में, पहले मैं आर्मर बना लेता हूँ उसके बाद मैं घर में मिलता आपको। ओके मैं घर में आ चुका हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ स्टोन की कहानी, तो लेट्स गो। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले मैं इन्वेंटरी हटाता हूँ, तो इसके वजूद में मिटा देने वाला हूँ अभी। तो देखो यार क्या हुआ था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था उस पार्ट को जिसमें मेरे को डायमंड मिला था, वो गलती से लैग कर लिया था, तो मैं उस चीज़ को वापस से रिकॉर्ड करने के लिए क्रिएटिव में जाकर स्टोन लगाया हूँ, तो इसका भी मैं वजूद मिटा देता हूँ, क्योंकि यार मैं इसे चीटिंग से मैं कुछ भी नहीं रखने वाला, ये मैंने मेहनत से बनाई है डायमंड आर्मर को, तो मैं इस चीज़ को मतलब नहीं करूँगा यार, अगर मेरे पास डायमंड मेहनत से आया तो मैं इसे रखूँगा, समझे, तो मैंने मेहनत से किया। ऐसा मेरे कमेंट मत बोलना कि भाई मैं क्रिएटिव यूज़ किया, मैं किस चीज़ के लिए क्रिएटिव यूज़ किया मैंने आपको बता दिया है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी आज की, अगर वीडियो पसंद आए तो यार दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट कर देना, अगर आपको पसंद नहीं आए तो भी बता देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।